दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज में। दूसरा टेस्ट आपके लिए हाजिर है। ये 14 प्रश्न मैंने पहले करा दिए थे, 14 भी 14 ही इसी में है। तो 15वें प्रश्न से आप देख लीजिए। 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई साहब पहले समझ लीजिए, चाहे बिहार की कोई सर्विस दे रहे हों, राजस्थान की कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आप देने वाले हों, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम देने वाले हों, स्टेटिक जीके टेस्ट है, प्रत्येक परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे, कोई भी राज्य विशेष की इसमें जानकारी नहीं है, चाहे SI का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे VDO का हो, चाहे लेखपाल का हो, सभी में इससे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लगाया गया था। तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन है, आप ऑप्शन अपने आप ही पढ़ लीजिए, मैं तो उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है 1858 के अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन हो गया था और जितने भी अधिकार थे ब्रिटिश क्राउन को, क्राउन का शासन वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, भारत के किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी ही चाहिए या जरूरी हैं। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, शर्त है, सोच के देखिए क्या है या योग्यता है। नहीं है, हो, अगर सदन का सदस्य हो तो वो राज्यपाल बन सकता है, लेकिन जिस दिन राज्यपाल बनेगा उसी समय सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो बी सही नहीं है, ए और सी, ना भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, ए और सी इसमें ठीक है। अगला देखिए, 17वां, निम्न में से किस राज्य, सॉरी, निम्न में से राज्य के किस नीति उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है। तो राज्य लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक, पढ़ लीजिए आप, मेरा पढ़ा हुआ है, इसमें दोनों ही जवाब ठीक हैं, ए और बी दोनों ही ठीक हैं। अगला देखिए, 18वां, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करेगा कि 6 से 14 वर्ष आयु समी के, मतलब उत्तर है इसका बी, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल, भैया नामांकित चुन लो चाहे वोट डाल के चुन लें, 6 साल का ही सदस्य का कार्यकाल होता है, ऑप्शन है इसका डी। अगला देखिए आप, 20वां प्रश्न जरा चेक कीजिए, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग करके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, मैंने आपको इसकी ट्रिक याद करा दी थी, केशव की मूल ही गोल है, मूल संरचना से संबंधित है, केशवानंद भारती विनाम और गोलकनाथ विवाद, तो दोनों ही मूल संरचना से संबंधित हैं, इसका उत्तर आएगा 20 का ए। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, जल्दी चेक कीजिए कमेंट में, जितने भी नंबर आपके आए 14 में से अगर 10 आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, कम आ रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, कमेंट करके बता दीजिए। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में उनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप इसे देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, मेरा पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। सही बात है, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 22वें का जवाब है सी, पी और क्यू दोनों। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया, ये 2017 से कई पेपरों में आ गया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो मेनका गांधी जी ने शुरू की है और उसे बोलते हैं सी बॉक्स। 23वें का आप एक बार चेक कर लेना, गूगल पे भी डाल लेना, कोई बात नहीं है, सी बॉक्स ही है, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने हेतु मिशन फिंगर लेन शुरू किया गया है, मछलियों से संबंधित है, देखिए आप, मत्स्य पालन, और इसमें 52,000,000 रुपए का निवेश किया गया है, परव्यय इसमें किया गया है और मार्च 2017 में शुरू हुआ था ये, ठीक है, इसे देखिएगा। 25वां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय, अच्छा ठीक है, जो रक्षा मंत्रालय के अंदर राष्ट्रीय महत्व के विश्व स्तरीय स्वायत्त संस्थान, अमेरिका में है ऐसा संस्थान, और अमेरिका के बाद कौन सा देश है, ये है चीन में हो सकता है, अमेरिका चीन के बाद भारत इसका तीसरा देश है, तो गुरुग्राम नोएडा या आप गुड़गांव इसे कहिए, वहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है, ये 25वें का ये जवाब है। 26वें देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेट टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, और कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है इसमें।
आगे देखिए 27वां कर प्रणाली के तहत अघोषित आय चोरी करने वालों के लिए विमुद्रीकरण के बाद तुरंत बाद कौन सा विमुद्रीकरण के बाद चला था स्वच्छ धन अभियान। स्वच्छ धन अभियान 27 का सी उत्तर है, 27 का सी उत्तर है। 28 का देखिए, 28 का ये एक ऑप्शन कम है, ये तीनों ठीक है इसमें, ये तीनों जो ऑप्शन है 28 के ये ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच कर सकता है। RBI, NABARD और LIC जैसे संगठनों के बिल्कुल ठीक है। समूह ए से बिल्कुल